हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिफ्थ पोएम। और ये पोएम मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। फिर भी एक ससरी नज़र मार लेते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड ऑथर फ्रॉम द बर्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, लीस्ट वन कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। ये दे रखा है, पोएम पढ़ लीजिएगा जो मैंने पढ़ा दी थी। अब इसमें क्या है आपको इधर समझ में आएगा, ये देखिए। रिफ्रेंस, दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द पासिंग ऑफ ऑथर। ये स्टैंजा आपकी पोएम पासिंग द ऑथर से लिया गया है और जिसको लिखा है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। कॉन्टेक्स्ट में देखिए, द वॉन्डेड किंग ऑथर इज़ गोइंग टू हिज मिस्टीरियस जर्नी। वॉन्डेड होता है घायल, घायल राजा ऑथर जो है अपनी रहस्यमयी, मिस्टीरियस होता है रहस्यमयी, यात्रा पर अपनी तीन रानियों और हिज फेवरेट नाइट। ये के है, यहाँ पर आप के लिख लीजिएगा, के एन आई जी एस टी, नाइट होता है सैनिक, ठीक है। और वो अपने फेवरेट सैनिक के साथ जा रहा है रहस्यमय यात्रा पर, और सैनिक का क्या नाम है, विडिवर। ही स्पीक्स इन ए वेरी लो वॉइस, वह एक बहुत हल्की आवाज़ में कहता है, मतलब जो भी बात करता है वो कहता है, एंड कंसोल्स देम, और उन्हें सांत्वना देता है, सेइंग दैट, ये कह करके कि दे शुड नॉट बी सैड ऑन द एंडिंग ऑफ द एज ऑफ द ज्वेलरी, कि जो है इस पीरियड में, ठीक है, इस टाइम में, जब जिस टाइम पे उस राजा की कंडीशन इस तरह से है, वो राजा घायल है, मतलब वो खुद के लिए बताता कि मैं घायल हूँ इस तरह से है, तो तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कहकर घायल राजा खुद उन चारों को सांत्वना देता है, अपनी तीन रानियों को और एक अपने फेवरेट नाइट को, यानी फेवरेट सेनापति को। एक्सप्लेनेशन देखिए, इन दिस ओपनिंग स्टैंजा, इस ओपनिंग स्टैंजा में किंग ऑथर, राजा ऑथर जो है, ऑफ स्पीक्स टू विडिवर, विडिवर से कहता है इन ए लो वॉइस, एक धीमी आवाज़ में, बिकॉज क्योंकि ही इज़ टू वीक। अब धीमी आवाज़ में क्यों कह रहा है, क्योंकि वह काफ़ी कमज़ोर है। ही सेज, वह कहता है, चेंजिंग इज़ द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। वन थिंग डज नॉट रिमेन द सेम एट ऑल टाइम, एक चीज़ हमेशा नहीं रहती। द ओल्ड सिस्टम चेंज, पुराने नियम बदल जाते हैं, न्यू सिस्टम सिस्टम्स टेक प्लेस, और नए नियम उनका स्थान ले लेते हैं। गॉड ऑल्सो चेंजेज हिज वेज, और ईश्वर जो है खुद अपने तरीकों को बदल देता है, इन फुलफिलिंग हिज प्रोमिसेस, अपने प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए। इवन अ गुड सिस्टम, यहाँ तक कि एक अच्छी परंपरा, मे ग्रू हार्मफुल हो जाती है इन ए लॉन्ग रन, जब वो ज़्यादा समय तक चलती रहती है। जो लॉन्ग रन इन्होंने यूज़ किया है, सॉरी, ये किसने ये किया है, ये लॉन्ग रन मतलब एक ही परंपरा जिसे हम ज़्यादा समय तक यूज़ करते रहें तो वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। क्यों, वन सिस्टम शुड नॉट कंटिन्यू फॉर एवर, इसीलिए एक सिस्टम को हमेशा के लिए चलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक सिस्टम ऐसे ही चलेगा तो ख़राब तो होना ही है। ख़राब होने का रीज़न है कि कोई नियम किसी समय पर सही था, लेकिन वही नियम एक आने वाले समय में ख़राब हो जाता है, इस तरह से हैं बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं। अगर आप देखें तो एक ये आपका एग्ज़ाम्पल है कि आपको जो दिया गया था कि आप क्या करते थे, एक टाइम था जब सती प्रथा का टाइम था, तो सती प्रथा में क्या चला करता था कि रानी को राजा के साथ जला दिया जाता था। रानी इस वजह से जलती थी कि दूसरा राजा उन लोगों को ले जाता था और अत्याचार करता था, जैसा कि मैंने सुना है, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। और फिर क्या है, जब ये राजाओं ने ये सब करना बंद कर दिया, तब भी रानियों को ज़बरदस्ती जलाया जाने लगा। क्यों, जब इसकी कोई ज़रूरत बची ही नहीं, तब भी उसको प्रथा की तरह चला दिया। तो क्या है, एक सिस्टम एक लंबे समय तक चलता है तो वो ख़राब हो जाता है, इसलिए उसका चलना ज़रूरी नहीं है। वन गुड सिस्टम इफ़ इट कॉन्टिन्यूज़ फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक अच्छा सिस्टम जब एक लंबे समय तक चलता है, मे स्पॉइल द होल वर्ल्ड, वो पूरे संसार को स्पॉइल कर सकता है। अब देखिए ये आपका नेक्स्ट स्टैंजा है, फॉर वाट आर मैन बेटर देन शीप और गॉड्स डैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन इफ नोइंग गॉड।
they lift not hands of prayer both for themselves and those who call them friend. For so the whole round earth is in every way bound by gold chain about the feet of God. But now farewell. पढ़ चुके हैं आप properly, पढ़ा चुकी हूँ मैं poem को, दोबारा पढ़ना हो तो फिर से वो poem पढ़ लेना. देखिए reference आपका वही आ गया. This stanza has been taken from the poem Passing the Author composed by Alfred Lord Tennyson. ठीक, ये जो है poem आपकी Passing the Author से लिया गया ये stanza और Alfred Lord Tennyson ने लिखा है. अब देखिए context में वही दे रखा है. द वॉन्टेड किंग ऑथर इज़ गोइंग टू हिज मिस्टीरियस जर्नी. घायल राजा ऑथर, ऑथर नाम है, अपनी रहस्यमय मिस्टीरियस होता रहस्यमय यात्रा पर जा रहा है विद हिज थ्री क्वींस, अपनी तीन रानियों के साथ एंड हिज फेवरेट नाइट विडिवर, और अपने प्रिय सैनिक. इसमें भी जो आपका ये नाइट है ये गलत हो गया है, इसे KNIGST कर लीजिए. ठीक है, और अपने प्रिय सैनिक विडिवर के साथ जा रहा है. ही रिक्वेस्ट हिम, वह उनसे प्रार्थना करता है. क्या कहता है? टू प्रे फॉर द पीस ऑफ हिज सोल, कि उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करे. किसकी आत्मा के लिए? यानी राजा ऑथर की आत्मा के लिए प्रार्थना करे. ही टेल्स हिम, और वह उन्हें बताता है, द इम्पॉसिबल वर्क बिकम्स पॉसिबल बाय प्रेयर्स, और वह उन्हें ये भी बताता है कि जो है असंभव काम भी ईश्वर की प्रार्थना के द्वारा संभव हो जाते हैं. एक्सप्लेनेशन देखिए. इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में बेटा ये आई कैपिटल कर लेना आप, सॉरी ये आई आपको कैपिटल करना है. ठीक, इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में द पोइट टेल्स अस, पोइट हमें बताता है कि द पावर ऑफ प्रेयर, जो प्रार्थना की शक्ति है, एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड एनिमल, और डिस्टिंक्शन होता है भेद. ठीक है, तो इस स्टैंजा में कवि हमें व्यक्ति और जो एक पशु है उसके में अंतर बताता है और प्रार्थना की शक्ति को बताता है. ठीक, दे कांट यूज़ देयर रीजनिंग पावर, सॉरी ये लाइन रह गई है, इसको आप दोबारा से देख लीजिए, ये वाली रह गई थी. द एनिमल्स डू नॉट हैव ब्रेन, एनिमल्स के अंदर ब्रेन नहीं होता है. दे कांट यूज़ देयर रीजनिंग पावर, वे अपनी रीजनिंग पावर यानी तर्क शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते. दे हैव नो नॉलेज ऑफ गॉड, उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता. वट मैन नोज डैट वॉट गॉड इज, लेकिन आदमी जानता है कि ईश्वर क्या है. सो इसीलिए अब सो में ये वाला, इसमें इस बार टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई, ये वाला सो लिखिए. सो ही शुड प्रे टू गॉड, इसीलिए उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए. फॉर द वेलफेयर ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फ्रेंड्स, अपने खुद की भलाई के लिए, वेलफेयर होता है भलाई के लिए, एंड हिज फ्रेंड्स, और अपने मित्रों की भलाई के लिए. द पीपल, लोग, हु डू नॉट प्रे, जो प्रार्थना नहीं करते टू गॉड ईश्वर की, आर जस्ट लाइक एनिमल्स, वो बिल्कुल जानवरों की तरह होते हैं. प्रेयर इज़ जस्ट लाइक द गोल्ड चेन, अब वो एक चीज़ और कहते हैं कि जो प्रार्थना है वो भी बिल्कुल किसकी तरह होती है, एक सोने की जंजीर की तरह होती है. दैट फास्टन द अर्थ विद द फीट ऑफ गॉड, जो क्या करती है, ईश्वर के पैरों से, फीट होता है पैरों से, इस संसार को जोड़े रखती है. एज समवन ऑफर्स प्रेयर, और जैसे ही कोई प्रार्थना करता है यानी ईश्वर की भक्ति करता है, गॉड fulfills all the wishes of the person, तो ईश्वर जो है उस व्यक्ति की सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है. I hope you understand.